तो रेसलिंग मीडिया फैमिली, क्योंकि रोमन रेंस ने क्राउन ज्वेल 2022 में लोगन पॉल को भी अब हरा दिया है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि रोमन के नेक्स्ट अपोनेंट कौन हो सकते हैं, और इसी बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो रोमन के नेक्स्ट अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि द पीपल्स चैंप द रॉक हो सकते हैं, क्योंकि अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि रोमन नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया से पहले उनकी चैंपियनशिप हारने वाले हैं। और रॉक वर्सेस रोमन के रूमर्स हम सब बहुत टाइम से सुन रहे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से रॉक रॉयल रंबल 2023 में रिटर्न आकर रोमन को चैलेंज कर सकते हैं अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। वैसे अगर इन दोनों का टाइटल मैच हुआ तो ये तो कंफर्म रहेगा कि उस मैच में रोमन ही जीतेंगे, क्योंकि अगर रॉक जीत जाते हैं तो वो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रुकेंगे नहीं। इसलिए अगर इन दोनों का टाइटल मैच हुआ तो ये मैच काफी प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर रोमन और रॉक का नॉन टाइटल मैच होता है तब ये कहना बहुत मुश्किल रहेगा कि इस मैच में कौन जीतेगा। वैसे अगर रॉक और रोमन का मैच होता है तो आप लोग किसकी टीम में रहोगे, टीम ब्रिंग इट यानी कि टीम रॉक में, या फिर टीम ट्राइबल चीफ यानी कि टीम रोमन रेंस में? कमेंट करके सबसे शेयर करें। तो रोमन रेंस के लिए जो नेक्स्ट अपोनेंट है वो है ब्रे वाइट, क्योंकि ब्रे वाइट ने रिटर्न आने के बाद अभी तक कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार को टारगेट नहीं किया है। लेकिन ब्रे वाइट ने फैन से बोला है कि वो अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में जो आगे करने वाले हैं वो देखकर सब कोई सरप्राइज हो जाएंगे, और फैंस ब्रे वाइट की हरकत को देखकर शॉक भी होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रे वाइट का नेक्स्ट टारगेट रोमन रेंस हो सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बहुत बार बताया है और आपको याद भी होगा कि रोमन का ये जो अल्टीमेट यूनिवर्सल टाइटल का रेन चल रहा है वो स्टार्ट ही हुआ था द फ्रेंड से यूनिवर्सल चैंपियनशिप छीनकर, और उसके बाद रोमन और ब्रे वाइट का कभी सिंगल्स मैच भी नहीं हुआ और ना ही ब्रे वाइट को कभी भी यूनिवर्सल टाइटल का मैच मिला। इसलिए मुझे लगता है कि ब्रे वाइट और रोमन रेंस का मैच नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया या फिर उससे पहले हो सकता है अगर रॉक रिटर्न नहीं आए तो। वैसे अगर ब्रे वाइट और रोमन का मैच होता है तो आपको क्या लगता है कि क्या ब्रे वाइट रोमन को हराकर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन पाएंगे या नहीं? कमेंट करें सबसे शेयर करें। तो रोमन के नेक्स्ट अपोनेंट के लिए एक और नाम है, और वो नाम है द अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रोड्स। तो जैसा आपको याद होगा कि कॉडी रोड्स इंजरी की वजह से WWE से टाइम ऑफ ले रहे हैं, लेकिन कॉडी की इंजरी जनवरी ठीक होने वाली है, और इसलिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर रॉ रंबल 2023 अगर रॉक रिटर्न नहीं आए तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि कॉडी रोड्स रिटर्न आकर रॉ रंबल 2023 जीत सकते हैं। और कॉडी ने WWE में रिटर्न आने के बाद से यही बोला है कि उनका सिर्फ एक मकसद है कि वो अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल जीते और वो अपने फादर डस्टी रोड्स को प्राउड फील करवाएं। और इसलिए मुझे लगता है कि रॉ रंबल 2023 में कॉडी रोड्स जीत कर रोमन को चैलेंज कर सकते हैं, और रोमन के नेक्स्ट अपोनेंट कॉडी रोड्स हो सकते हैं। वैसे इनमें से आप किसके साथ रोमन का नेक्स्ट मैच देखना चाहोगे कॉमेंट करके बताएं, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।